हेलो दोस्तों, बिल्कुल नए वीडियो में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। ये है स्प्लेंडर प्लस। तो चलिए दोस्तों, इसको चला के देखते हैं कि इसमें हीरो ने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट किए हैं या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको ऑन करता हूं मैं। i3 स्विच को मैंने ऑन रखा है। इंजन जो है वो काफी रिफाइंड लग रहा है, काफी स्मूथ लग रहा है। तो फर्स्ट गियर पे जाते हैं। इसमें आपको हील एंड टो शिफ्टर मिल जाता है। तो ये है फर्स्ट गियर। हाँ, बड़ी आसानी से ये गियर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और हील एंड टो शिफ्टर वैसे अपने को आदत है नहीं। तो स्प्लेंडर जो है वो काफ़ी चर्चित बाइक है ऑल ओवर इंडिया में, और होना भी क्यों नहीं। इसका ड्यूरेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस है उसको लेके लोग जो है वो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने की वजह से ये tier 1 tier 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है। बहुत ही मतलब रिलैक्स्ड पोजिशन है दोस्तों। सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरा हाइट तकरीबन 5'11" है और मैं इस पर बड़ी आसानी से बैठा हूँ। और काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है। सीट का जो फोम है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। जो राइड क्वालिटी है वो भी अच्छा है। मैं काफ़ी ज़्यादा अपराइट बैठा हूँ। हैंडल बार्स आपको रेस्ड अप हैंडल बार्स मिल जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतर है इस पर। तो यहाँ से यू टर्न हम लोग लेते हैं। गियर शिफ्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों। इस पर बहुत ही आराम से मक्खन जैसे ऐसे गियर शिफ्ट हो जाते हैं। आपको 4 speed का भी है गियर बॉक्स विथ आपको ये क्लच मिल जा रहा है। जो क्लच है वो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि थोड़ा मतलब हैवी है, हल्का सा हैवी है। बट अभी इसको चलाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्लच एक्शन जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। बड़ी आसानी से ये गियर्स जो है वो चेंज कर लेता है और बहुत ही आराम से ये चलता है बिना कुछ वाइब्रेशन के, कुछ नहीं। और आप इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाओगे। बात करते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और ये आप देख सकते हो, मैंने थ्रॉटल दिया इसको और अच्छा खासा ये परफॉर्म कर लेता है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। इसमें सामने पीछे दोनों ही साइड आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। 130mm के ड्रम ब्रेक्स हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। आपको इसमें डिस्क जो है वो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो एक बमर है। अगर डिस्क ऑप्शन दे देता तो अच्छा ही होता था। बट इसमें आपको 9.5 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और आपको तो पता ही है हीरो स्प्लेंडर जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज जो है वो देने वाला है। तभी आप देख सकते हो मैं इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे आराम से इसको चला पा रहा हूँ बिना कोई दिक्कत के। और जो टॉर्क है वो 8.9 Nm का ये पीक टॉर्क बनाता है 6000 RPM के आसपास। तो टॉर्क भी काफ़ी अच्छी तरह से आ जाता है आपके हाथों में। और इससे ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो है इसके लिए बिल्कुल मक्खन है। कोई प्रॉब्लम जो है इसके साथ आप नहीं फेस करोगे। बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा इन सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से। तो आपको सामने टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जॉर्वर्स मिल जाते हैं। अब जो शॉक ऑब्जॉर्वर्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। एक्चुअली इनको डिज़ाइन ही किया गया है ऐसे टाइप के रोड्स को संभालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लगेज इस पर कैरी कर पाओ। साइड से देखा जाए ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये करता है। साथ साथ पीछे का जो सस्पेंशन है वो 5-step एडजस्टेबल सस्पेंशन है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी करवा सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये जो है चल रहा है। और टायर्स जो है 80 section के टायर्स भले ही हो बट इस टाइप के टेरेन्स ये आराम से संभाल ले रहा है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ नहीं। और बहुत ही बढ़िया इसका ग्रिप है टायर्स का भी। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है दोस्तों। ब्रेक्स भी इसके अच्छे हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको ब्रेक्स है वो आपको IBS मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये है, आप पीछे का ब्रेक ज़्यादा प्रेस करते हो तो सामने का भी साइमल्टेनियसली जो है वो अप्लाई हो जाता है। दोस्तों अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप हायर गियर्स पे हो और बहुत ही स्लो चला रहे हो तो गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, गाड़ी जो है वो थम जाएगी। तो उसका आप ज़रूर से ध्यान रखें। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस और प्राइस टू परफॉर्मेंस बोला जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप डेली कम्यूट करना चाहते सिटी में तो आपको माइलेज तो ये 65-70 के बीच में आराम से दे देगा पीक ट्रैफिक में भी। और अगर आप थोड़ा हाईवे करते हो तो उससे और भी थोड़ा ज़्यादा आप एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। कमाल का परफॉर्मेंस है दोस्तों, परफॉर्मेंस बोलते हैं ना। इसका प्राइस 80,000 rupees, एग्जैक्टली 80,000 rupees। अब जो प्राइस है वो चेंज हो सकता है,
स्टेट टू स्टेट चेंज हो सकता है, और आप अपने नज़दीकी डीलर को फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो मैं यहाँ के डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से उनको कॉन्टैक्ट करके अपने सारे क्वेरीज के आंसर जो है आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस पर्टिकुलर व्हीकल के बारे में को मिले, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।